हल्द्वानी का लौंडा देखो क्या होगा। हम कर रहे हैं अपना रूम शिफ्ट, देख रहे हो लौंडे का। जैसे आपको मेरी बैल्कनी के सामने से सोसाइटी प्रॉपर दिखती है यहाँ पर। इन लोगों यार पीछे यहाँ पर रुकने को बोला था, लेकिन ये लोग सामने ना वहाँ पे सिग्नल है उसके लेफ्ट में रुक गए हैं। Hey guys, welcome back to the new video. Haldwani ka londa. देखो क्या हो गया। Hello chicken. What is this? मिला है इनको। अभी हमको एक कहानी बताएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे प्लास्टर लगा। मजाक में लगा दिया। क्या कह रहा है? मजाक में लगा दिया। तो ठीक कर देखो। अभी गया ना उसके पास, डॉक्टर ने बोला जल्दी रिकवर होगा। बात तो सही है। लगा के जहाँ हम लोग कल अपना मैच खेल रहे थे, मतलब ऑफिस में, तो वहीं ये लोग खेल रहे थे किचन वाले डिपार्टमेंट वाले सारे। इसका एक्चुअल में पाँव हल्का सा मुड़ गया, देख रहे हो पाँव मुड़ने का नतीजा, पाँव मुड़ने का नतीजा। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम कर रहे हैं अपना रूम शिफ्ट और हमको निकाल दिया गया है रूम से बाहर, और यहाँ पे हमारा रूम सैनिटाइज हो रहा है। बड़ो वेरी नाइस। ओ या मेरे लिए काम का नीचे गद्दा ही बिछा दे। ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन बोर्ड कहाँ लगाऊंगा? वहाँ से पिन टांग देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप आ जाएंगे। गुरु ये इनकी स्टोरी क्या है भाई? कुछ नहीं, एक किचन टीम की फोटो है, बेस्ट फर्स्ट जब हम ज्वाइन किया था। ओके। तो जो टीम थी गाइस फ्लैश आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, ये गोलू है, ये गोलू की फैमिली है। नाइस। गोलू ये बीच वाली फोटो कहाँ की है? ये बीच वाली सिक्किम की है। और ये वाली? ये फ्रांस की है। ओह या फ्रांस घूम के आ रहा हूं। ये भी फ्रांस की है, देख रहे हो एटीट्यूड, देख रहे हो घूमने का। ये कैलकटा की है और ये तो यहाँ की है जी, ओल्ड रेफ की पहली इवेंट अरमानी वाली में। ओह या। तो भैया ये भी गोलू की फैमिली। नाइस। गोलू भाई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, गुजराती। गुजराती नहीं है? गुजराती नहीं है? नहीं। फिर यूपी लगता गुजराती है एकदम। ऐसे देखो मोटा मोटा सा, गुजरात वाले ऐसे ही होते ना मोटे मोटे से। तो भैया अपना गद्दा होता है यहाँ पे रखते हैं, 7 दिन के लिए हम यहाँ पे बंद। और एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ भाई, यहाँ पे मेन चीज़ तो ये है, ये गर्मी से राहत। मज़ा आएगा सोने में। तू रात को एसी खोलता है? बोलियो। रात भर एसी चलती, सुबह बंद होती है। रात भर एसी चलता है, सुना तुमने? तुमने सुना गरीब लोग, रात भर एसी चलता है और सुबह बंद होगा। वेल गुड। मैं तो अपना एक्सटेंशन बोर्ड लेके आता हूँ। तो गाइस बेडशीट और एक्सटेंशन बोर्ड आ चुका है और 7 दिन तक हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। अब पता है कोविड हमारे लिए कैसा हो गया है? कोविड मतलब ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है कोविड है ओके, मतलब ऐसा हो गया है। लेकिन प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन लेना, ये नहीं कि भैया चौड़े में तुम घूम रहे हो। प्रिकॉशन इज इम्पॉर्टेंट ब्रो। अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सो जाएंगे आराम से। जैसे आपको मेरी बैल्कनी के सामने से सोसाइटी प्रॉपर दिखती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। ये अपना एरिया है पूरा एकोमोडेशन का, सामने पूरे घर है। ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई डोंट नो अभी टाइम कितना हो रहा है, शायद 8 बजने वाला होगा और बारिश तो हो नहीं रही आज। दिस इज माय नाइस बैग और एसी से ना पूरी रात भर मतलब अच्छी नींद आई। मले अभी सो रहा है वहाँ पे, गोलू शिफ्ट पे जा चुका है। मैंने अभी ये अपना ब्रेकफास्ट के लिए बोला, मैं धीरे से बोल रहा हूँ कि मले सुबह कहीं उठना जाए इस वजह से। तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बोला हुआ है, अभी ब्रेकफास्ट में आज पूरी भाजी है और कॉफ़ी है। वैसे मैं तो सिर्फ कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, बट थोड़ी सी चीज़ों सुबह सुबह मेरे को भूख लग गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये सीन है, तो इन लोगों का फ्लैट कुछ ऐसा है। मेरे को बस अपना वो चार्जर लेना है और अपना फ़ोन लेना है, उसके बाद हम निकलते हैं। बस चार्जर निकल रहे हैं यहाँ से, ये हो गया, फ़ोन हो गया और कीप इट इन माई बैग। चलो भैया ऑल सेट,
अब निकलते हैं शिफ्ट पे। बस फाइनली आई रीच इन माय ऑफिस एरिया। बेसिकली यहाँ ना मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ इस एरिया से, क्योंकि गेट नंबर 1 से हमको फिर अभी अलाउड कर नहीं रहे और सब लोग बोल रहे हैं कि गेट नंबर 6 से जाओ, हमको यहीं से जाना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, 2-3 जगह स्नैक करने हैं हमको, वो करेंगे। पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा अपना, वो काम खत्म करेंगे भाई जल्दी से जल्दी। फिर आपको मिलते हैं शाम को सीधा। सो गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 9:10 और अभी भाई घर निकलने की तैयारी हो रही है। आज पूरा दिन ऐसा फकिंग बिजी रहा था, मतलब दिन भर में मतलब आज मैंने लंच अपना, मतलब इतना काम था मेरे पास कि मैंने अपना लंच ही स्किप कर दिया। फिर शाम के टी ब्रेक के टाइम में मैंने 3 समोसे खाए, लेकिन हो गया। अभी भूख तो लग नहीं रही है, लेकिन नींद खतरनाक आ रही है भाई। सामने पिडाले ना शेयरिंग में मैं मेरे पास है भाई, स्टोर का भाई वहीं पे है, कॉफर में कॉफर में है। वो देखिए सुजीता, ये यूनिफॉर्म रूम की चाबी वहीं दिखा रहा हूँ। मजे ले रही है। बोल गाइस सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये साइन। अबे कर लेना साइन, कहाँ पे करने? लाइक कर देना। क्या कर देना? लाइक कर देना। अच्छा गाइस, अभी फुल ऑन बारिश चल रही है, मतलब बारिश हुई थी ठीक है, और अभी हम कैब के लिए वेट कर रहे हैं। एक्चुअली दारिशा भी साथ में है, उनको पता नहीं था कि दारिशा रुकी हुई है, शायद पिडालिंग का वेट कर रही होगी। और क्या लगता है ना शाम के टाइम में मस्त। यो वैसे गाइस बारिश में भीगने में ना अलग ही मज़ा आता है यार, मतलब जो बूंदें आपके चेहरे पे पड़ती है ना, मैं ऐसा कर लेता हूँ नाइस। फिलहाल के लिए मैं बाहर को जा रहा हूँ और मैम लोग मेरे को यहाँ पर पिक कर लेंगे यहाँ पर। तो गाइस फाइनली अपनी कैब आ चुकी है भैया, सामने वो कैब है वो वाली वाइट वाली, और उस कैब में अपन लोग निकलेंगे यहाँ से, तो चलते हैं घर को। नाइस। ये नहीं है क्या? अच्छा वो वाली है गाइस, वो वाली दिस वन। अगर ये वाली भी नहीं हुई तो ये भी नहीं है भाई। विच वन? भाई ये वाली भी नहीं है, कहाँ गए? अब तुम्हें को कॉल करना पड़ेगा भाई इन लोगों को यार, पीछे यहाँ पर रुकने को बोला था, लेकिन ये लोग सामने ना वहाँ पे सिग्नल है उसके लेफ्ट में रुक गए हैं। देख तो बारिश हो रही है, ऊपर से नींद आ रही है, ऊपर से पैदल चला रहे हैं यार तुम्हारे भाई को, देख रहे हो? व्हाट इज़ दिस? वैसे बारिश अभी रुक गई है, लेकिन ये पैटर्न अच्छा लग रहा है ना रोड पे। नाइस। तो यार घर चलते हैं और वीडियो एडिट करनी है मेरे को, एक वीडियो रोज़ की पेंडिंग हो जा रही है, क्योंकि मेरे को एक वीडियो में एडिट करता हूँ तो मेरे को नींद आने लग जाती है, जिसकी वजह से मैं सो जाता हूँ। फिर एक वीडियो पेंडिंग। 2 दिन का मेरा ऑफ है, तो मैं सोचूँगा कि कुछ क्रिएटिव करूँ ठीक है। हाय गाइस, कैसे तुम? चलो भैया एसी चलेगा फुल। अरे मेरे को लगा आप सिग्नल बोल रहे हो, मेरे को पहले वहां पे सिग्नल पीछे 1 लाख अगर ये सिग्नल से ना घुमाना पड़ा तेरे लिए नेक्स्ट टाइम से निकलेगा तू। मैं वीवीआईपी पास लिया मैंने। हाय। हे म्याऊ Hey, कैसे हो आप? Pause the song. Because of the song. Hi. Just because of this song, I'll get copyright too. Hi. खाना खाया आपने? खाना खाया? तो गाइस मैं रूम पे पहुंच गया था। एक्चुअली ना मैं जब कार में बैठा मैम लोगों के साथ, उस टाइम मैंने व्लॉग करा नहीं, क्योंकि यार मैं बहुत थक चुका था आज, मतलब पता नहीं आई डोंट नो मेरे को बहुत थकान हो रही थी। मैं जब सिस्टम में टाइपिंग कर रहा था ना, मेरे को इतनी थकान लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं घर पहुँचा, मैंने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के मैं अपने जो मतलब गोलू का रूम है, गोलू वाले रूम पर हम लोग मैं और मले रह रहे, तो क्योंकि मेरे वाले रूम पर ऑलरेडी वहाँ पर कोविड वाले बंदे लौटने हैं अभी, तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पर रूम पर अपना सामान लेने आया हुआ था, तो वो लोग अभी रूम पर ही हैं।
तो मैं अभी मास्क वास्क लगा के अंदर जाऊंगा। अभी टाइम कितना हो रहा होगा? 11:20 अभी 11:20 हो रहा है और मैं हम यहाँ पे अपना मस्त एसी में लगे पड़े हैं। मेरे साथ एक गोलू नॉर्मल है और ये व्लॉग को यार यहीं पे एंड करते हैं। आई डोंट नो कितना लंबा व्लॉग बना हुआ है, मेरे को बहुत थकान हो रही है, नींद भी आ रही है। ये गला व्लॉग मैं कल एडिट करूँगा, कल मेरी छुट्टी है, परसों भी मेरी छुट्टी है। तो ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एडियोस।